हेलो डियर फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। आज के सेशन में हम मेंसुरेशन 2D के टिप्स एंड ट्रिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा सेशन था, उसमें हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मैं अभी तक आपको कम्प्लीट 2D पढ़ा चुका हूँ, कम्प्लीट 3D पढ़ा चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाके आप कम्प्लीट सेशन को देखिए, और जो लोग जो भाई बंधु पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, रीट, LDC, किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं और उनके मेंसुरेशन वाला पार्ट है, तो इससे इजी मेथड, इससे इजी फॉर्मेट कहीं नहीं मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं। और जो भाई बंधु RAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 के लिए हम फाउंडेशन कोर्स ला रहे हैं। 1 ईयर का कोर्स रहेगा, जो कि मार्केट में दोस्तों इसकी फीस 70,000 रुपए, वहीं अनअकैडमी आपको करवा रही है 6,300 रुपए में। बस आपको एक रेफर कोड अप्लाई करना है BS Bhatti, जिससे फीस में मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिजल्ट के लिए अनअकैडमी पे जुड़े। कंप्लीट 0 to Hero लेवल रहेगा, ये प्री से लेके मेंस तक का कवर करेंगे हम इसमें। और मैं आपको केवल और केवल प्री के लिए मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैथ्स का भी प्री के अंदर अहम रोल है, क्योंकि अगर हमने मैथ्स को अच्छे से कर लिया, रीजनिंग को अच्छे से कर लिया, तो हमारा प्री आसानी से क्रेक हो जाता है। और प्री अगर एक बार क्रेक हो गया तो दोस्तों मेंस तक पहुंचना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हम मेंस तक पहुंच सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा समलम से, ट्रेपेजियम से। देखो, ट्रेपेजियम आपको पता है सबको क्या होता है। ट्रेपेजियम की समभुज भुजा पैरेलल होती है और हाइट होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, कुछ भी ऐसा जो कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की तरह कुछ नहीं होता। क्या समलंब में एक ही फॉर्मूला लगता है हमारा, समभुज भुजाएं रहेगी पैरेलल और उनका योग करना है, हाइट से गुणा करना है, 1/2 लगाना है। अभी समझ आ जाएगा कि हमारा जो समलंब का एरिया होता है, समलंब का एरिया वो रहता है हमारा एरिया, बहुत इजी फॉर्मेट में बात करें, 1/2 पैरेलल भुजाओं का योग इंटू हाइट, ये होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें कुछ पूछा गया, ध्यान से करना बस। हमें एरिया दे रखा है, बिल्कुल सर, इसके समांतर भुजाओं को 5 और 3, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा, ये 5x + 3x लिखे, और हाइट आपको दे रखी है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24, और ये हमारे पास है 1440। आपको क्या करना है, कैंसिल आउट बड़े स्मूथली करना है। देखो कैसे, मैंने 2 से किया 12, और 12 का भाग 12 बन जाता है, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, ये मेरे पास 8x हो जाएगा, और 8x = 120, तो एक्स का मान जो आएगा वो मेरे पास आएगा भाई 15 बार। ठीक है, 15 आपको पूछे, ये बताइए सबसे लंबे वाली भुजा, ए और बी का मान निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है, ए और बी। तो ए हमारी 5 × ये हो जाएगी 75, और बी हो जाएगी 3 × 15, 45। तो ये आराम से आप कर सकते हो, देख लेना दोनों में से कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। केवल और केवल ट्रेपेजियम का एक ही फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजियम इसी पे बेस्ड होता है। बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की, बहुत ही आराम से पढ़े और करने का प्रयास करें। ये हमारा पैरेललोग्राम से नए, पैरेललोग्राम तो होता है देखो समांतर चतुर्भुज, रोम्बस का है, ध्यान रहे ये रोम्बस का है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है आपको पता रहे। रोम्बस हमारा किसकी तरह काम करता है, वर्ग की तरह, क्योंकि वर्ग की साइड से ही बना होता है ये, उसकी भी साइड इक्वल होती है, इसकी भी इक्वल होती है। तो रोम्बस के वैसे मैं चाहो तो आपको फॉर्मूले तो लिख के दे सकता हूँ, बट हमें नॉर्मली जो पूछा है उस पर वर्ग करना है। क्या दिया हुआ है रोम्बस की, हमें एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड दी हुई है, एक भुजा की लंबाई व ऊंचाई दे रखी है एक भुजा के ऊपर, तो एक विकर्ण की लंबाई इतनी दे रखी है, तो आपको पूछा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आप पहली बात कि अगर हमें, अगर यहां से हमें क्या निकालना है, सेकंड डायगोनल का निकालना है, तो एक्चुअली एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया होता है 1/2 d1 × d2, ये हमारा होता है इसका एरिया एक तो, और दूसरा आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है। देखो रोम्बस बना लेते हैं, ये वाला, अब देखो आपको दे रखा है कि एक भुजा की लंबाई 6.5 मान लीजिए आपको दे रखा है, और इसके ऊपर हाइट मान लीजिए आपको 10 दे रखा है, आपके ऊपर इस पे हाइट दे रखी है 10, और आपको ये भी बोल रखा है, तो आप इसका एरिया ऐसे भी तो बोल सकते हो सर, बेस इनटू हाइट एरिया होता है, बेस इनटू हाइट एरिया होता है। अगर आपने बेस इनटू हाइट किया भी है तो आप मुझे बताइए आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस और बेस यहां से लेते हैं आप और यहां से लेते हैं, तो दोनों जगह से एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो दोनों जगह से एरिया बराबर करो, तो 1/2, चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, वन बाई टू डी वन, फर्स्ट डायगोनल 26 है, आपको d2 पूछा है, बराबर बेस 6.5 × 10, आपको यहां से कैंसिल आउट करके देखना है और बहुत ही प्यार से मान निकालना। देखो 13 बार भाग जाएगा,
इसका भाग दो बार भाग जाएगा, दो का भाग पांच बार भाग जाएगा, तो डी टू इज इक्वल टू फाइव सेमी, फाइव सेमी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो एरिया किसका होता है, ये तो समांतर चतुर्भुज का भी यही होता है। एक्चुअली ना देखो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचता तो दो ट्राइंगल कैसे बनते, एक जैसे, एक ट्राइंगल एक ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता, तो एक ट्राइंगल के एरिए को मैंने दो से गुणा किया है। एक्चुअली ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, और मैंने दो से गुणा किया, दो से दो कट जाता, तो बचता कितना, बेस इनटू हाइट, बस यही किया। दोनों का एरिया बराबर रखना था रोम्बस का, एक तो डायगोनल से एरिया होता है और एक साइड से एरिया होता है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और कैंसिल आउट करके डी टू का मान निकाला। ओके, ध्यान रहे, एक क्वेश्चन और आराम से, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अभी हमारा जो आरएस का फाउंडेशन कोर्स के लिए मैराथन हुआ था 1 अगस्त और 2 अगस्त को, अभी आज देख पा रहे हो आप 6 अगस्त हो चुकी है, तो यानी कि अभी 12 अगस्त से लेके 12 अगस्त से इसका कोर्स शुरू हो रहा है, तो आपके पास सुनहरा मौका है। बीएस भाटी रेफर को कोड के साथ जुड़े 10% डिस्काउंट रहेगा, और अपने जो सपने हैं आरएस को लेके, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी प्रशासनिक अधिकारी बनूं, या आप अभी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अनअकैडमी पे जुड़े, और ऐसे ही बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी यानी जो कि अपने सब्जेक्ट के महान रथी है, उनके साथ जुड़े और अपने सपने साकार करें और सिलेक्शन प्राप्त करें। तो चलिए भैया एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमारा किसका है, समांतर का। आपने देखा होगा हमने अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले समलंब पढ़ा, फिर समचतुर्भुज पढ़ा, अब समांतर। आपको समांतर चतुर्भुज की ए बी दी हुई है 24 और ए डी दी हुई है 16। पहली बात, आप एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, जिसकी ये लीजिए भैया, हमने कच्चा चित्र बना लिया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद आपको करना क्या है वो देख लो बस। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, और इस समांतर चतुर्भुज में आपको मान लीजिए मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, कुछ भी मान लो, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए बी मान लीजिए मैंने 24 लिख ली, ठीक है, और आपको ए डी का मान लिख लिया मैंने 16। अब आपको बोल रहा है इनके बीच, भुजाओं के बीच की दूरी, किसके बीच की, ए बी और डी सी, ए बी और ए बी का ये रहा ए बी और डी सी के बीच की दूरी, अगर ये दूरी 10 है, मतलब ये हाइट 10 है, तो आपको दूसरी वाली हाइट पूछ रखी है, ये वाली हाइट ऐसे। तो मैंने इस पे भी आपको एक रिजल्ट करवा रखा है, फॉर्मूला करवा रखा है कि भाई अगर इस आधार को मान के और इस ऊंचाई को लेके एरिया लेंगे, तो पहला बेस, बेस की जगह आप लंबाई भी लिख सकते हो, ये लंबाई मान लो आप, इसे मैं लंबाई लिख देता हूँ, चलो ये एल मान लो आप, और ये चौड़ाई बी मान लो, तो मैं एल और पहली हाइट H1 पे कर सकता हूँ, और B और H2 पे भी कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि यार देखो आप, एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, एरिया होता क्या है, बेस इनटू हाइट, और आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बेस अलग अलग, पहले इस बेस को लेके फिर इस बेस को लेके, एक बार लंबाई वाला बेस, एक बार चौड़ाई वाला बेस, जब मैं यहां से इसको तो लिखता हूं तो बहुत ईजी हो जाता है, 24 × 10 बिल्कुल, और इसको जब मैं लिखूंगा तो 16 × H2 हो जाएगा 16, तो आप काट लीजिए बस, 8 का भाग 8 हुआ 16, 8 × 24, 2 का भाग 5, देन यू गेट H2 इज इक्वल टू 15 सेमी है तो सेमी, 15 सेमी, सी इज द राइट आंसर रहेगा, बहुत ही आराम से करना, और अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पेपर में जो आते जाते रहते हैं। अब एक और देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको सम षटभुज यानी हेक्सागन का, हेक्सागन का आपको क्या पूछा है, हेक्सागन का आपको एरिया पूछा है। पहली बात, आपको हेक्सागन बनाना आना चाहिए, फिर मैं हेक्सागन का एरिया क्या होता है वो भी समझा दूंगा आपको। एक बार कच्चा चित्र बना रहा हूं दोस्तों, आपने देखा होगा बेंजीन, जिन भाई बंधुओं के पास साइंस होती है वो बेचारे इस हेक्सागन से परेशान रहते हैं पूरे जीवन भर, क्योंकि ये क्या है, एक साइंस का फॉर्मेट होता है भाई, साइंस का क्वेश्चन होता है, तो वो ये सोचते हैं यार ये कभी पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, हेक्सागन होता है। अगर हेक्सागन के आपको फॉर्मूले आते हो तो मान लीजिए मैंने लाइन खींच ली है डायगोनल टाइप के, चलो ये हमारे सारे कच्चे चित्र हैं, ओके अच्छे भी बन रहे हैं सर बिल्कुल, चलो ठीक है। मैंने अगर इसको बनाया हेक्सागन को, और हेक्सागन की मैंने अगर साइड तो सारी बराबर ही होगी, क्योंकि सम षटभुज है, साइड कैसी है, रेगुलर है, रेगुलर का मीन ही क्या होता है, सारी साइड बराबर हो, तो अगर हम टोटल कोण देखेंगे ये बनेगा 60 डिग्री का कोण, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, यानी जो एक छोटा सा टुकड़ा निकालू मैं, छोटा टुकड़ा, वो भी एक क्या होगा, ये छोटे वाला टुकड़ा, ध्यान देना दोस्तों, मैं किसी को भी कलरफुल बना देता,
कैसे भी हाईलाइट करने के लिए चलो, ये जो ये छोटा टुकड़ा निकाला हमने, ये भी एक क्या बनेगा, ये भी एक हमारा सम सॉरी इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 3/4 साइड स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे पास टोटल निकालना है इसका टोटल, तो हमारे पास ऐसे कितने छह टुकड़े, तो 3/4 साइड स्क्वायर ऐसे करना है बस, और बहुत ही इजी हो गया। अब इसका एरिया निकाल ही लो, कैसे आएगा देखो, 6 × 3/4 साइड का मार 1 का स्क्वायर, तो 1 क्या आएगा कट जाएगा 3√3/2 सेमी स्क्वायर, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यार से करना था और स्मूथली करना था, होता है रेगुलर का। जैसे अभी मैंने आपको क्या किया, हेक्सागन का बताया, तो आप ऑक्टागन का कमेंट करें, ऑक्टागन का जो एरिया है वो आप कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेगा वो उसका नेक्स्ट क्लास में नाम भी लिया जाएगा कि ऑक्टागन का एरिया क्या होता है, आपको देख के कहीं से भी फाइंड आउट करके कमेंट करना, या 1 सेमी भुजा वाले ऑक्टागन का एरिया क्या होता है आप बताएंगे मुझे। ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए शेडेड पोर्शन के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, शेडेड पोर्शन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि शेडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। देखिए आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, ए, तो यानी ये रेडियस कितनी है इसकी, ए, और ये भी ए। आपको शेडेड भाग पूछा है, तो आप ना ये अर्धवृत्त है, इसमें क्या करना है, अगर आपको शेडेड निकालना चाहते हो तो आप अर्धवृत्त में से, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल में से आप त्रिभुज निकाल दो, खत्म बात। अब चलो अर्धवृत्त का क्या होता है एरिया, सर्प पाई आर स्क्वायर का आधा होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा बनेगा, जैसा भी त्रिभुज बनेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। चलो सर अब देखिए हम मान निकाल लेते हैं, ओके क्या करना है, एक पाई की जगह पाई पढ़ा रहने दो, पाई है आंसर में, वाई टू भी पढ़ा दे, आर की जगह क्या आएगा ए का स्क्वायर, माइनस 1/2, बेस क्या आएगा ए, ए टू ए, बेस टू ए, हाइट हाइट आएगी ए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर पाई बाई 2, और आगे 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर। हमें क्या करना है आगे, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मान लीजिए मैंने कहीं पर भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलो ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो यहां बचेगा पाई बाई टू बिल्कुल, और माइनस यहां से 1 बचेगा बिल्कुल, और ये आंसर आएगा राइट, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रहेगा, और आपको बहुत ही आराम से करना था। तो दोस्तों देखो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी वे में भी आते हैं, आराम से किया जा सकता है। अब हम आगे के क्वेश्चंस, हर दिन 5 क्वेश्चंस करते हैं, डेली डोज मानिए, आप आराम से सोल्व आउट कीजिए। अभी आप अगर मेरे से मैथ्स के लिए पटवार स्पेशल में जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो कैसे भी करके 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यार है ना आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूँ, लास्ट एलडीसी एग्जाम में 150 प्लस स्टूडेंट्स ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था। मिनिमम फीस है, इस फीस के साथ आप 3 महीने का या 6 महीने का कोई भी कोर्स इनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा सीधा नीचे आपको लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट बेस शुरू हो चुका है, और सारे के सारे वो टीचर है जो बड़े बड़े नामी टीचर है, जो सिलेक्शन देने के लिए जाने जाते हैं। ओके गाइस, तो मैथ्स का जो स्पेशल बैच होगा उसी में मैथ्स रहेगी एकदम स्पेशल। 3 मंथ की फीस है 3150 आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि कोड लगाना है आपको बीएस बाटी। और ध्यान रहे कि इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स का स्पेशल कोर्स करवाने वाला हूँ, यानी मैथ्स इससे बाहर कुछ नहीं जाएगी, 0 to 0। ओके ठीक है, तो मैं आपको एक दिन में 3 बार मैथ्स पढ़ाता हूँ, एक बार सुबह मतलब शाम को 7 बजे रहता है अर्थमेटिक का, और स्पेशल क्लास रहती है ये फ्री रहती है, और ये आपका मॉर्निंग को एडवांस का। तो रेफर कोड बीएस बाटी के साथ ज्वाइन करें और मैथ्स को 0 to 0 लेवल सीखें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।